यानी पार्लिमानी जो लीडर हैं ये एक बेहतर माहौल है। जनाब स्पीकर साहब, आगा साहब को मुबारकबाद देते हुए इसके साथ ही मैं पशीन के उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं और उन तमाम पॉलिटिकल पार्टी को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इस बलूचिस्तान के ये हालात जो इस वक्त रूनुमा हुए हैं, पशीन के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अमन और बलूचिस्तान के रवायत को बरकरार करते हुए अजीज़ुल्लाह को अपना मैंडेट दिया। पशीन के तमाम पॉलिटिकल पार्टी और पशीन के अवाम काबिले तहसीन है। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में जब भी ये इलेक्शन होते हैं तो एक जानिब से कोई ठप्पा मार ग्रुप आते हैं, तो जो जिन लोगों की मैंडेट होती है उस मैंडेट का एहतराम न करते हुए पार्लियामेंट में ऐसे लोग आते हैं जिनको आवाम की कोई दर्द नहीं है, तो हम समझते हैं कि जब हकीकी नुमाइंदे असम्बली में आते हैं तो बलूचिस्तान की अमन अमान, बलूचिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान की खुशहाली उनसे जुड़ी हुई एक कड़ी है। इसी उम्मीद के साथ कि आगा साहब बलूचिस्तान के रवायत को बरकरार रखते हुए अपनी सलाहियतों से बलूचिस्तान के आवाम की खिदमत को जारी रखेंगे। थैंक यू। मैं अपनी पार्टी की जानिब से, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी की जानिब से उनको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया मेरा सद बलोच साहब।